अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं धेंकी कड़ी। जो ये आधा लीटर दही है, ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं बनाना। आधा लीटर दही है ये, और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज खड़ी कट कर लेना उसको। चलो अपन स्टार्ट करेंगे। ये 7-8 हरी मिर्चियाँ हैं पीस के रख ली मैं। बड़े चम्मच से 2 चम्मच लेके इसमें पानी डाल के बेसन का आटा सब घोलती मैं, पूरा अच्छा सा मिक्स करी। इसमें धनिया पाउडर भी डाली मैं 1 चम्मच, चाय के एक चमचे से 1 चम्मच धनिया पाउडर डाली। अब मैं ये दही के अंदर मिक्स करती हूँ और इसमें अपन हल्दी मिलाएंगे छोटे चम्मच से एक चम्मच हल्दी ली मैं, तो मैं मिक्स करती हूँ। थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ही डालना और नमक आप अपने हिसाब से डालिए, नमक इसमें अच्छा लगता। मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें अपन पानी मिलाना, दही को अच्छा वो करना, फेंटना अच्छा, दही को लम्स नहीं रहना उसमें जरा भी। देखिए मैं दही अच्छा फेंटी शुरू में, अब इसमें पानी मिक्स कर रही मैं, आधा जग पानी डाल दूँ। पके बाद गाढ़ी होती है कड़ी। अब इसमें एक करियापा का कट्टा डालू, एक करियापा का कट्टा। अब इसको अपन चूल्हे पे चढ़ा देना। चलिए अब इसको अपन पकाने छोड़ेंगे, अच्छा पकना है ये। चलिए अब इसको पकाने छोड़ दी मैं ये, और बीच बीच में हिलाते जाना ये कड़ी को। चलिए जब तक अपन बेसन भिगाएंगे भजियों के लिए। चलिए अब यहाँ पे मैं बेसन ली, ये स्पून से मैं 5 चम्मच ली मैं बेसन ये, और जो कड़ी में ली थी मैं बेसन और धनिया पाउडर जो मिलाई थी, यही चम्मच से मैं 2 चम्मच बेसन ली थी मैं कड़ी में। इसमें डालती हूँ बेसन में अदरक लहसुन थोड़ा सा, मिर्ची, नमक, डेढ़ चम्मच डाली में नमक, और इसमें थोड़ा सा सोडा थोड़ा लीजिए आप, लगा ज्यादा डाले तो फट जाते। देखिए इतना भी सोडा ली मैं, इसको पानी मिक्स करेंगे। इसके बाद अपन पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पे बेसन अभी थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दें, अच्छे से अच्छा मिक्स करना है इसको। देखिए आप लगाए, और इसमें जो है सो डॉट्स नहीं रहना बेसन के। देखिए आप अच्छे से वो करना मिक्स, या मिक्स हो गया अभी ये। चलिए अब मैं ये 5 मिनट्स के लिए ये रख देती हूँ मैं बेसन। चलिए अब अपन इसमें हिलाएंगे। अब अपन ये देखिए कड़ी यहाँ पक रही है यहाँ पे, अच्छा प्याज भी वो हो जाना यहाँ पे पकना, प्याज भी और करिया पक्का भी ये जो है चेंज होना कलर करिया पक्का। अभी ये प्याज भी जो है वाइट है, अभी ज़रा अभी नरम हो जाना, उन्हें लूज पड़ जाना एकदम उन्हें। अब ये कड़ी अपनी पक रही यहाँ पे, देखिए यहाँ कड़ी पक रही है यहाँ पे। और ये जो मैं बेसन का आटा लगा, इसमें अपन चावल का भी आटा लगा सकते हैं, जैसा कड़ी को लगाते ना, कड़ी को जैसा अपन लगाते ना वैसा इसको चावल का आटा भी लगा सकते हैं अपन चावल। चलिए अब यहाँ तेल गरम हो गया, भजियों के भजियाँ तलेंगे अब अपन यहाँ पे।
देखिए मीडियम साइज के रहना इसमें भजिए। ये हो गया, चलिए अपन का इसको पलटाएंगे भजिए को, अच्छे से ब्राउन होना, ये हो गए भी है। अब इसमें अपन प्लेट में निकालेंगे वो अपन ये भजिए को, भाजी तो अब ये अपन निकालेंगे। चलिए ये सेकंड ट्रिप के है, ये ऐसी जब अपन पूरे तलेंगे ऐसी बेसन ये ऐसी तलेंगे। कड़ी में भजिए ज्यादा है ना अच्छी दिखती कड़ी। चलिए अभी यहाँ पे हो गई, यहाँ पे पूरे फ्राई कर ली मैं यहाँ पे। अब ये तेल गरम है यहाँ पे, थोड़ा तेल कम फ्राई कर रहे थे अपन बोल के, तेल बढ़ के डाली थी। अब ये हो गए फ्राई हो गए ना, तेल कम कर देना थोड़ा अपन। चलिए अभी यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया है, करिया पक्का भी चेंज हो गया, प्याज भी वो हो गई। अब इसमें अपन जो भजिए तले थे वो भजिए डाल दिए। पूरे भजिए डाल दिए, इसमें अभी चूल्हा ऑफ कर दे रही मैं, हो गया। चलो अब तेल गरम हो गया, अब मैं यहाँ जीरा डाल रही हूँ। जीरा इतना ली में, और ये सूखी मिर्चियाँ हैं, ये 6-7 सूखी मिर्चियाँ हैं, और करिया पत्ता बघार के लिए। हो गया, अब अपन कड़ी में डालेंगे। देखिए अब ये बघार डाल, ये बन गई अपनी ढेंकी कड़ी। अब इसमें ऊपर अपन कोथमीर डालेंगे, कोथमीर डालेंगे अब अपन इसमें से। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे लग रही कड़ी, हो गई अपनी कड़ी तैयार। अब इसमें जो है सो मैं निकाल दूँ, कटोरे में निकाल दूँ। चलिए मैं ये निकाल दूँ, देखिए पतली ना गाढ़ी बराबर है ये। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।